Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello everyone, welcome to online class of Shivam Convent of Mathematics. Today we are going to start our first chapter, that is large numbers for class 5th English medium. And first topic is numbers. What are numbers? Basically, numbers are a set of standard symbols, numerals that represent quantities. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And these are called digits. So, number ek set hota hai standard symbols ka. And next one is numerals. Numerals kya hai? A single digit or a group of digits representing a number is called a numeral, such as 156, एक single digit या फिर उन digit का group क्या कहलाता है, numerals कहलाता है. जैसे 156 ये single digit है, and 34 ये two digit का group है, 456 ये three digit का group है, and ये four digit का group है. तो ये सभी numerals कहलाते हैं. Next one is numeration. Numeration क्या है, किसी भी numeral को words में लिखने को numeration कहा जाता है. Writing numbers in words is called numeration, such as 3 को हम क्या लिखते हैं, 3, 44 को 44, 3456 से लिखा हुआ है. Next हम समझते हैं Indian system. Indian system समझने के लिए हम एक 9 digit number लेते हैं, for 9 digit number and from the right से 5 को हम क्या बोलते हैं, ones, and 2 को tens, next 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore and 10 crore. और जहां से tens आता है, ones, tens, तो tens और tens के just पहले वाले number का हम एक pair बना लेते हैं, next 100, 1000, 10,000, again 10,000 आया, 10 आया, तो 10 और उसके just पहले वाले number का एक pair बना लेते हैं. Lakhs, 10 lakhs, फिर से 10 आया, तो 10 और उसके just पहले वाले number का एक pair बनाते हैं. Crore, 10 crore, फिर से 10 आया, तो 10 और उसके just पहले वाले का एक pair बनाते हैं. ये 45 हमें बोलना है, जब words में हम बोलेंगे, 73, ये 45, 3 single रहेगा, और ये 25. तो 45 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 45 crores and 73 lakhs, 45,325. अब हम समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम. व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम द एग्जांपल एंड फ्रॉम द राइट, 5 को हम क्या बोलेंगे, वंस, नेक्स्ट टेंस, 100, 1000, 10000, 100000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन एंड आफ्टर 100 मिलियन बिलियन आता है. हियर वंस टेंस, तो ये टेंस आया, तो टेंस और टेंस के पहले वाला तो एक पेयर बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 25, 25 के पहले, फिर 100 आया, 1000, 10000, 10 फिर से वही 10 आ रहा है, तो 10 जस्ट उसके पहले वाले नंबर का एक पेयर बनाएंगे, 100000, मिलियन, 10 मिलियन, अगेन 10 आया, तो 10 और 10 के जस्ट पहले वाले का एक पेयर बनाएंगे. तो जहां पर भी 10 आएगा, तो इसे हम 57 बोलेंगे, ये 45 एंड ये 25. तो 4 के पहले क्या लिखा हुआ है, 100 मिलियन, तो पहले तो ये 457 आएगा और इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है मिलियन, तो 457 मिलियन, 345,000 एंड 325 ये लिखा हुआ है. एंड हमें कॉमा लगाने के लिए, हम मिलियंस के बाद कॉमा लगाते हैं, थाउजेंड के बाद कॉमा लगाते हैं, उसी तरीके से इंडियन सिस्टम में हम करोड़ के बाद कॉमा लगाते हैं, लाख के बाद कॉमा लगाते हैं, थाउजेंड के बाद कॉमा लगाते हैं. नेक्स्ट हम समझते हैं सक्सीजर एंड प्रीडिसीजर ऑफ अ नंबर. सक्सीजर मींस होता है जस्ट आफ्टर. जस्ट आफ्टर मींस जस्ट बाद की संख्या. टू गेट द सक्सीजर, हमें ये सक्सीजर पता करना है किसी भी नंबर का, तो हमें उस नंबर में केवल 1 ऐड कर देना है. एंड प्रीडिसीजर मींस जस्ट बिफोर, जस्ट पहले की संख्या. टू गेट द प्रीडिसीजर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का हमें प्रीडिसीजर पता करना है, तो हमें उस नंबर में 1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये 4, 5, 6, 7, 8 एक हमने एग्जाम्पल लिया है और हमें इसका सक्सीजर पता करना है, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. तो 1 ऐड करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 9 आएगा. एंड प्री डिसीजर के लिए हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, ये 4, 5, 6, 7, 7 आएगा. आज से यही तक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट का एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू.